आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ फॉर क्लास 12th, जिसके अंदर हम लोग सोल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है सारा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो प्रॉब्लम जो फर्स्ट प्रॉब्लम है मिसलेनियस एक्सरसाइज का वो ऑब्जेक्टिव है, वो है प्रॉब्लम नंबर 16। वो प्रॉब्लम क्या कहता है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी then a vector dot b vector greater than equal to 0 only when। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना है। तो किस तरह से इसको सोल्व करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, a vector dot b vector greater than equal to 0। तो हम लोगों को थीटा भी निकालना है। थीटा क्या है, a vector और b vector के बीच का क्या है, एंगल है। तो यहाँ पे a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ a वेक्टर इनटू मॉड ऑफ b वेक्टर इनटू कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या होता है, ये सारा लोगों को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये कैसे होगा, ये तो क्या है मॉड का वैल्यू, मॉड a मॉड b तो क्या होगा, ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होता ही है। तो यहाँ पे इसको हम लोग नहीं मानेंगे, कॉस थीटा पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होता ही है। देन यहाँ पे अब है cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब थीटा पे डिस्कस करना है कि किस थीटा की किस वैल्यू के लिए cos का मान जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कॉस का वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को केवल और केवल किस में देखेंगे, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए अब यहाँ पे देखिए 0 से π/2, यहाँ पे देखना है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल दोनों चीज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 0 ओपन इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल भी दिया हुआ है। यानी यहाँ पे है कि 0 पे इसका वैल्यू लाई नहीं करेगा और π/2 पे इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे है 0 और π/2 दोनों क्या है, इंक्लूडेड है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब cos थीटा का मान कहाँ पॉजिटिव कहाँ होता है, केवल और केवल यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड यहाँ पे सेकंड थर्ड में तो निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। और हम लोगों को जब ये पढ़ रहे थे और डॉट प्रोडक्ट पढ़े तो डिफिनेशन में ये थीटा जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 <= थीटा <= पाई, यहाँ तक ही लाइज करता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को थीटा का वैल्यू केवल और केवल पॉजिटिव लेना है। तो हम लोगों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 <= थीटा <= π/2 क्या हो जाएगा थर्ड। अब यहाँ पे चेक करते हैं cos 0 क्या होता है, cos 0 डिग्री रखते हैं तो क्या होता है 1। ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 पे लाई कर रहा है। π/2 क्या होता है, cos π/2 0, तो यहाँ पे भी लाई करता है क्योंकि 0 = 0 और ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे इक्वल टू भी साइन, अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं रहता तो ये होता और इक्वल टू साइन है तो यहाँ पे क्या होगा, b होगा। तो ऑप्शन b मेरा क्या है, सही है। आज का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 17। ये भी ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे क्या करता है देखते हैं, if let a and b, a vector and b vector be two unit vectors। यहाँ पे दिया हुआ है दोनों, ये की पॉइंट है इसका, two unit vectors that means यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले a vector equal to 1 and b vector equal to 1। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, mod of a vector equal to 1 and mod of b vector equal to 1 एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। और थीटा जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इफ, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कब होगा, ये हम लोगों को लाना है जब थीटा के किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू जो होगा, वैल्यू मेरा 1 होगा। तो हम लोग चलते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो हम लोग क्या कर पढ़े थे, वेक्टर का प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे थे डॉट प्रोडक्ट का, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर होता है तो इसको हम लोग मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर 2 टाइम्स इसको लिख दिए तो इसके बराबर हो जाएगा इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसका डॉट इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1 हो गया, इक्वल टू 1। इसको बस डॉट प्रोडक्ट कर दिए। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। कैसे होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग फर्स्ट डे पढ़े थे, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टू टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, हो गया। अब देखना क्या करना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1, तो सिंपल यहाँ पे 1 लिखेंगे, मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हम लोगों को इसका इतना इजी यूनिट वेक्टर जब थीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 2 1 प्लस 1, ये 1 1 सिंपल हम काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2, ये इसका वैल्यू क्या है 1 1, देन 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब इधर हम लोग कर लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू -हाफ। अब इसको सोल्व करना है, देन थीटा क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -हाफ। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन पे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, अगर आपको कोई वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, बट हम लोग प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जब इनवर्स ट्रिगो फंक्शन पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, ठीक है। अब कॉस हाफ कितने डिग्री का मान, कॉस हाफ होता है कॉस 60 डिग्री का मान, तो अब यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन 3 कॉस 60 डिग्री मतलब पाई अपॉन 3 कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, दैट मीन्स पाई माइनस पाई अपॉन 3। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं जब आपको वैल्यू याद रहता है, कॉस कितने डिग्री का वैल्यू -हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, दैट मीन्स 2 पाई अपॉन 3। तो ये क्या हो गया थीटा, थीटा क्या हो गया 2 पाई अपॉन 3, देन 2 पाई अपॉन 3 किसमें है, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप लोग डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो इस तरह से कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा कितने डिग्री का मान -हाफ होगा, इस तरह से देखिए। थीटा का वैल्यू किसमें किसमें निगेटिव होता है, इसमें और इसमें, इसमें तो पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव, इसमें और इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, कॉस कितने डिग्री का मान हाफ होता है, कॉस 60 डिग्री मतलब पाई अपॉन 3। तो इसमें जब कॉस हम लोग पढ़े थे माइनस होगा, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा। तो यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 3, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 3, ठीक है, देन कॉस पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। प्रॉब्लम है जो है मेरा आई जे के से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं आई जे के का। किस तरह से हम लोग बनाते थे, आई जे के, आई कैप जे कैप एंड के कैप, इस तरह से हम लोग पढ़े थे क्रॉस प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे है, लिख लेते हैं इसको, आई डॉट जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर प्लस जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर प्लस के वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्रॉस जे, ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के मेरा क्या होगा, इस डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव। तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई थर्ड वेक्टर हो जाएगा, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा वेक्टर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके जगह पे आई, तो यहाँ पे है जे, जे आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस जे, यहाँ इधर निगेटिव होगा तो इसके जगह पर हो जाएगा माइनस जे, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे सिंपल इसके जगह पर हो जाएगा के। अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर डॉट माइनस जे वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट के वेक्टर, ये आ गया। आई डॉट आई क्या होता है, वन सिंपल, दो वेक्टर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे विथ माइनस जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ये भी वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, यहाँ हो गया वन। देन सी इज द राइट आंसर। इस तरह से इसको बनाएंगे। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 19। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है, यानी वेक्टर का ही लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी देन दिस इक्वल टू दिस देन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना है, जबकि थीटा जो है वो एंगल किसके किसके बीच का है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का। तो हम लोगों का दिया हुआ क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। तो हम लोग यहाँ से इससे क्या करना है, थीटा निकालना है, इसको यूज करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, इसका मॉड लगा सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर टू बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। यहाँ पे क्या होता था, साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर दोनों जो होता था वो परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, इस तरह से लिखते थे। अब देखिए ये मॉड के अंदर ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बस जाएगा क्या, मॉड ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ साइन थीटा। यूनिट वेक्टर का मॉड तो वन होता है, तो वहाँ पर कुछ लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे क्या करता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट मीन्स इसका वैल्यू मेरा क्या है, पॉजिटिव है, केवल केवल और केवल क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। यानी क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मोड, इस तरह से इक्वल टू वन, दैट मीन्स टैन थीटा, टैन थीटा का मोड इक्वल टू वन, कि टैन थीटा का मोड यानी केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू। तो टैन कितने डिग्री का मान होता है, वन टैन पाई बाई फोर, यानी थीटा इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, पाई अपॉन फोर। तो इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये था टोटल वेक्टर का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और देखेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं क्लास 10-12 का मैथमेटिक्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।